आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गणित रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया बस प्रश्न की फोटो खींचो एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ अभी डाउनलोड करें नमस्कार बच्चों दिया गया प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन पुंज चित्रानुसार चालक वलय के पास से गुजर रहा है तो वलय में प्रेरित धारा होगी तो हमारे पास में पहला वामावर्ती दूसरा तो दक्षिणावर्ती तीसरा दोनों और चौथा कोई धारा नहीं होगी तो देखते हैं इसका रीजन क्या है तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास में अगर ये वलय है है ना और ये वलय में हमको पूछा गया है कि धारा प्रेरित होगी या नहीं होगी और अगर होती है तो उसकी दिशा क्या होगी चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है यहाँ से प्रेरित हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का पुंज जो है वो नीचे वाले चालक में जा रहा है तो हम जानते हैं कि धारा प्रेरित कब होती है धारा जब प्रेरित होती है जब क्या होता है फ्लक्स में परिवर्तन होता है मतलब अगर हम बोले कि चालक वलय के फ्लक्स में क्या होता है परिवर्तन हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो होती है विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है और जो धारा आई होती है वो ई एम एफ के अनुक्रमानुपाती होती है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ से कि अगर यहां पर ई एम एफ उत्पन्न होता है चालक विद्युत हमारे पास में इस चालक वाले में अगर ई जो है वो उत्पन्न होता है तो धारा भी प्रेरित होगी तो पहले देखता है कि क्या यहाँ पे ई उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन पूंज एक दिशा में एक नियत के हिसाब से चल रहा है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चूंकि फ्लक्स जो है फाई है तो अगर इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न हो रहा है तो बी में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ए कॉस थीटा तो इस स्थिति में हमारे पास में जब यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में जो कोण है उसके

विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होता है क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा मतलब फाइ का मान नियत है और नियत राशि का अवकलन हमेशा जीरो होता है मतलब यहाँ पे ई एम एफ का जो मान है वो भी कितना हो जाएगा जीरो तो हम यहाँ से तो देख रहे हैं कि ई एम एफ किसके बराबर हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा, जाएगा अतः हम देख रहे हैं कि अगर विद्युत वाहक बल ही जीरो हो गया ऋण चिन्ह प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा दर्शाता है पर यहाँ तो विद्युत वाहक बल जीरो हो चुका है पर अब हम देख रहे हैं कि अगर ई एम एफ जीरो हो गया तो यहाँ जो तो धारा है वो भी शून्य हो जाएगी मतलब धारा जो है वो प्रेरित होगी ही नहीं अतः प्रश्न के अनुसार हम कहेंगे कि इस वलय में कोई धारा नहीं प्रेरित होती है विकल्प क्रमांक चार प्रश्न का सही उत्तर होगा धन्यवाद कक्षा छब्बीस से बारहवीं से लेकर नीट आई आई टी जेई वो एडवांस के लेवल तक कर, एक करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ आरोप